दोस्तों, गौतम बुद्ध हमें यह सिखाते हैं कि भौतिक सुख से परे असली सुख आत्मज्ञान और दूसरों की भलाई में निहित है। यह हमें दुख के कारणों की पहचान करना और उससे मुक्त होने का मार्ग खोजने के लिए प्रेरित करती है। बुद्ध के जीवन और उपदेशों से हम सीखते हैं कि करुणा, प्रेम और बुद्धि से हम संसार को एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं गौतम बुद्ध के जिंदगी से जुड़े कुछ पन्ने। हजार मील की यात्रा, एक कदम बुद्धत्व का। नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान में एक राजकुमार का जन्म हुआ, जिसका नाम सिद्धार्थ था। उनका जीवन सुख सुविधाओं से भरपूर था, लेकिन उन्हें संसार के दुखों के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। एक दिन महल के बाहर घूमते हुए उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी को देखा। इन दृश्यों ने उनके मन में गहरा प्रभाव छोड़ा और उन्हें जीवन के असली स्वरूप के बारे में सोचने पर मजबूर किया। राजकुमार सिद्धार्थ ने महल छोड़कर आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में निकल पड़े। उन्होंने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की और विभिन्न गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की। आखिरकार बोधगया नामक स्थान पर एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इस क्षण से उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया। बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करने का फैसला किया। उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण किया और दुख के कारणों और उसके अंत के बारे में उपदेश दिया। उन्होंने चार महान सत्यों और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया, जो दुख से मुक्ति का मार्ग है। बुद्ध के शिष्यों की संख्या लगातार बढ़ती गई और उनके शिक्षण पूरे एशिया में फैल गए। आज बौद्ध धर्म दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक है और बुद्ध के उपदेश अभी भी लाखों लोगों को प्रेरणा देते हैं। मैं आशा करता हूं कि यह आपको प्रेरित करेगी और आपके जीवन में खुशी और शांति लाएगी।